सो नमस्कार दोस्तों, वीडियो में देखेंगे बजाज फाइनेंस के शेयर में 18 मई के लिए हमें क्या क्या नज़रिया दोस्तों बना के रखना चाहिए। दोस्तों नोटिस कर सकते हैं, बजाज फाइनेंस का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है। स्टॉक आपको एक्जैक्टली एक ऑफ ट्रेंड में कंटिन्यू करता आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ से आप नोटिस कर सकते हो कि स्टॉक अपने टेलन को सपोर्ट बना के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आपको सपोर्ट लाइन देखने को सॉरी रेजिस्टेंस लाइन देखने को मिल रहा था 6511.40 का। अब इसका ब्रेकआउट होगा तो हो गया है, तो ये बन गया इसका सपोर्ट लाइन, राइट। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है ना, स्टॉक यहाँ पे अपने टेलन को अगर नीचे आता है भी यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने वाला है। अब इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन रहेगा वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 6953.80 का रहेगा रेजिस्टेंस लाइन। जैसे इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर रहेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन 7246 का, देन रहेगा आपके सामने 7483.70 का, उसके बाद रहेगा 7741.55 का, राइट। तो सपोर्ट लाइन दोस्तों यहाँ पे हमने 6511 का ड्रॉ किया, दूसरा सपोर्ट लाइन रहेगा 6165 या 66 का सपोर्ट लाइन है, राइट। अब दोस्तों बजाज फाइनेंस के शेयर में अगर इसमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कौन सी लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए, तो आपको सपोर्ट लाइन दोस्तों 6657.50 का देखने को मिल जाएगा, उसके बाद 6597 का रहेगा, रेजिस्टेंस लाइन दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 6839 का, राइट। तो दोस्तों वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।